नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कानपुर का मोस्ट वांटेड और 8 पुलिस कर्मियों के हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद से ही यूपी पुलिस और एसटीएफ पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवालों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें एनकाउंटर स्थल से काफी पहले ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया। बैठो बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको दिखाने चाहिए, यहाँ पर पूरा लेकिन अब यहाँ आरोप ये है लेकिन बड़ी खबर यही है कि कुख्यात शिकार दुबे उसको लेकर यहाँ पे पहुंच चुकी है और बस 5 से 6 मिनट है और अब चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हमें अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे मीडिया कर्मियों को पहले ही क्यों रोक दिया गया? अगर विकास ने भागने की कोशिश की थी तो उसके पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई? सवाल यह भी है कि जब विकास दुबे ने खुद मंदिर परिसर में कुछ लोगों को अपनी पहचान बताई थी, अगर वो गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं था तो एक हाई सिक्योरिटी जोन में क्यों गया? और अगर कल गिरफ्तारी के लिए तैयार था तो आज उसने भागने की कोशिश क्यों की? और सवाल ये भी है कि आखिर वही गाड़ी क्यों पलटी जिसमें विकास दुबे सवार था? क्या ये संयोग था? अब सवाल ये भी है कि पुलिस कर्मियों से अपराधी हथियार कैसे छीन लेते हैं? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इन सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इस पूरे मामले को समझा जा सके। क्या विकास दुबे के हाथ बंधे हुए नहीं थे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।